Indian students are in a weird situation. School jaana allowed nahi, but still you have to pay the fees. Hostel mess, everything is being closed, but still you have to pay the fees. Teachers WhatsApp notes send karke sikha rahe hain, but still you have to pay the fees. In few minutes, I'm just going to discuss about what the problems students were facing, and not only the students, what problem teachers are facing in a current scenario. I'm just going to discuss about all that. Yadi aapko ye video achhi lage, so please try to share this video. And according to the report, more than 13 crore people loses their job. And only because of this corona, har 5 mein se 2 logon ki salary kam hone wali hai. Our generation has not seen an economic crisis like this ever before. And if you think that during this crisis, school and colleges अपने students के बारे में सोचेंगे, उनके parents के pressure को कम करेंगे, so I just want to tell you one thing that you are wrong. Classes online हो रहे हैं, even teachers are teaching from the home. Students सिर्फ ने पूरी fees pay कर रखी है, but still teachers को कई महीनों से उनकी salary नहीं मिली. They are waiting for their salary. This is the fact. Now it's time to talk about the students' problem. Problem number one. स्टूडेंट्स ट्यूशन फी के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए भी फी पे करते हैं, जस्ट लाइक अ लैब, लाइब्रेरी, मैथ एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, नॉट अ स्मॉल अमाउंट. और हमें ये नहीं पता कि स्कूल एंड कॉलेजेस कब खुलेंगे. कोई भी स्टूडेंट स्कूल कॉलेज अभी नहीं जा रहे, सो व्हाई द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पे फॉर ऑल दिस थिंग जो कि वो यूज ही नहीं कर रहे. प्रॉब्लम नंबर टू, स्कूल एंड कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखे. स्कूल एंड कॉलेजेस बार बार स्टूडेंट्स को कॉल करके प्रेशराइज कर रहे हैं दैट कि आपको आपके फीस सबमिट करने हैं. और जब तक आपकी फीस सबमिट नहीं होते, आपके लेक्चर स्टार्ट नहीं होंगे, देयर माइट बी चांसेस दैट यू डोंट गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. और यही नहीं, यदि आपने अपना फीस सबमिट कर दिया है और जिन्होंने फीस सबमिट नहीं किया, तो आपको बार बार आपके फ्रेंड्स को भी कॉल करके प्रेशराइज करना है ताकि आप भी अपनी फीस सबमिट कर दो. और जब तक सारे के सारे बच्चे फीस नहीं सबमिट करते, ये क्लासेस स्टार्ट करने का नाम तक नहीं ले रहे. इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे वो घर जा चुके थे, और उनका लगेज हॉस्टल के रूम में ही छूट गया था. उस लगेज को रूम में रखने के पूरे फीस चार्ज कर रहे. आई डोंट थिंक सो इट इज राइट. ये सारे सिनेरियो सिर्फ कॉलेज में नहीं, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द स्कूल ऑल्सो. इवन जूनियर केजी एंड सीनियर केजी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैविंग द ऑनलाइन क्लासेस. अब बात ये दैट कि उनके पास तो खुद के फोन होते नहीं, दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फोन. एंड इवन इन सम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली दे कैन अफोर्ड अ सेपरेट लैपटॉप ऑल्सो. बट उन बच्चों का क्या जो कि गाँव में रहते हैं, और कुछ स्कूल्स तो टैबलेट बेच रहे हैं और इवन उनसे लेना भी कंपलसरी है. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम टीचर्स आर फेसिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ मैटर एंड टीचर्स लाइफ मैटर एज वेल. इंस्टीट्यूट आर नॉट पेइंग सैलरी टू देयर टीचर्स बिकॉज दे आर गिविंग द एक्सक्यूज कि टीचर्स को उनके एफर्ट के बेसिस पे किया जाएगा. बहुत सारे टीचर्स कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली, एंड फ्यू ऑफ द टीचर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 40-50% ऑफ द सैलरी. But why? If students are paying the full fees, so teachers को भी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए. Is it right? जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है, ये टाइम टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है. Because even the experienced teacher is also starting from the zero for this particular new format. But the problem is that we have become so insensitive that we can't see their efforts. So what we can do right now? अब हम क्या कर सकते हैं? हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा. Just like the syllabus of all the school that comes under one board is same, similarly we have to make a list of best practices and the standards. कुछ schools WhatsApp पे voice note भेज रहे हैं, तो कुछ school Microsoft Teams पे online classes ले रहे हैं. इन दोनों में बहुत बड़ा gap है, और ये gap हम तभी कम कर सकते हैं जब government को set standards set करे. And even Tamil Nadu is considering कि private school के 25% fees को reduce कर देना चाहिए. आसाम ने एडिशनल फीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हटा दिए हैं. ओनली बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द स्कूल एंड कॉलेजेस वर सेविंग अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. इवन कैंटीन नीड नॉट टू परचेज अ न्यू इंग्रेडिएंट्स. प्रिंटिंग के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं. सो कैन दिस स्कूल एंड कॉलेजेस क्रिएट अ वेलफेयर फंड, एंड फ्रॉम दिस वेलफेयर फंड दे कैन प्रोवाइड अ सैलरी टू देयर टीचर्स एज वेल एज द सपोर्ट स्टाफ. बिकॉज टीचर्स एज वेल एज सपोर्ट स्टाफ की सैलरी को कट करना, इट इज नॉट अ सोल्यूशन. उन्हें उनकी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए. And even students के school and colleges के सिर्फ tuition fee लेना चाहिए. Because in a current scenario, only that the salary is the biggest expenses for the school and colleges. And now the problem is that why the students as well as the teachers were not talking about all this problem. So the problem number one, students thought if they are going to raise the voice, वो आवाज़ उठाएंगे, so there might be chances that they got failed in exam.
क्योंकि इस आवाज उठाने की वजह से उनके इंटरनल्स में मार्क्स कम हो सकते हैं। और टीचर्स इसके बारे में आवाज इसलिए नहीं उठा रहे, देयर माइट बी चांसेस कि इंस्टीट्यूशन उनसे बोले कि आप दूसरी जॉब ढूंढ लो। सो आई मस्ट थिंक दैट दिस इज नॉट फेयर। बट इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, ट्राई टू यूज दिस वीडियो एज अ टूल, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने ना तो किसी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को पर्टिकुलरली टारगेट किया है, बट एक सिस्टम के फ्लॉज को आपके सामने रखा है। मे बी इट इज अबाउट योर कॉलेज और मे बी नॉट। देयर इज अ ब्यूटिफुल लाइन दैट आवर टीचर्स आर कार्विंग द कैरेक्टर्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड आवर स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर। और ऐसे टफ टाइम में यदि हम एजुकेशन सिस्टम को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के तौर पर ट्रीट करेंगे तो स्टूडेंट्स सिलेबस से कुछ सीखे ना सीखे बट कैपिटलिज्म को कैसे एक्सप्लॉइट करते ये जरूर सीख जाएंगे। एंड नो वन इज सेइंग दैट इंस्टीट्यूशन डोंट हैव टू टेक द मनी, बट जो सही है सिर्फ वही लेना चाहिए। यदि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कॉलेज फीस कम करता है, इवन टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम आते हैं, या तो किसी भी पेरेंट्स का प्रेशर कम होता है, तो दैट इज आवर विक्ट्री, दैट इज योर विक्ट्री, और यही तो हमारा टारगेट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, try to share and subscribe my channel.